नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। अभी हाल ही में मुझे हरिद्वार ऋषिकेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जब मैं हरिद्वार की हर की पौड़ी से थोड़ा आगे जाकर भीमगोड़ा नाम का एक तिराहा है तो वहां जा रहा था मैं, तो रास्ते में मुझे एक छोटा सा उल्टे हाथ पर मेरे एक छोटा सा मंदिर नज़र आया। बहुत छोटा सा, देखने में वो ना के बराबर लग रहा था। एक साधारण सा, जैसे गलियों में कोई मंदिर होते हैं उसी प्रकार से एक मंदिर लग रहा था। तो उस मंदिर का एक बोर्ड देखा मैंने, तो उस बोर्ड को जब मैंने पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर इस बोर्ड पर जो लिखा है क्या ये कितना ये सटीक है या क्या है। तो मैं वहाँ उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वहाँ गया हूँ मंदिर में। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से इस बारे में मैंने पूछताछ की तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ बताया इस मंदिर के बारे में, और मुझे लगा कि हाँ वाकई ये हैरान कर देने वाली जानकारी हो सकती है। तो मैं आप लोगों से भी उसके बारे में शेयर कर रहा हूँ। उस बारे में भी मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय मां काली। पहाड़ को काट करके किस तरह से माता रानी ने स्वयंभू प्रकट हुई है, और ये छोटा सा मंदिर है, प्रवेश द्वार है ये, और ये पंडित जी बैठे हुए हैं, और ये है रेलवे ट्रैक, और ये भारतीय रेल की तरफ से ये मेंटेनेंस होती है, मैनेज होता है ये पुल, और ये इधर ये ऋषिकेश की तरफ, और ये हरिद्वार हर की पौड़ी के पास। ये पंडित जी बैठे हुए हैं, पुस्तैनी इनका इसी मंदिर में है। जय माता रानी। क्या है मंदिर की मान्यता? ये मतलब स्वयंभू है जी। अच्छा, आपका शुभ नाम? शुभम। आप कब से हैं यहाँ पर? आप लाइन में खानदानी काम खानदानी आपको मतलब पीढ़ियों से ही है। अच्छा, तो क्या है ये ट्रेन को लेकर के कुछ मैंने सुना कि यहाँ पर कुछ ट्रेन बीटी सी रेलवे के टाइम से कुछ बिगड़ पड़ती थी, तो उस समय ये गुफा थी, किसी को नहीं मालूम था कि मंदिर है। अच्छा, उस समय कोई इंजीनियर रहा होगा बीटी सी रेलवे का। हाँ, तो सबसे पहले दर्शन उसने पहले उसे पता लगा कि यहाँ माता का स्थान है। हाँ, माता ने कहा कि पहले मुझे रास्ता दो तब आपको रास्ता मिलेगा, नहीं तो कोई ना कोई बिगड़ पड़ रही थी, जैसे कि मतलब पार्ट गिर जाना, इंजन ठप हो जाने, वैसे ही इस तरह की कोई ना कोई अड़चन हो रही। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम मंदिर लगा हुआ है पहाड़ी से, और इधर ये ट्रेन, और ये माँ काली का मंदिर। तो क्या बता रहे थे फिर आप आगे? कोई ना कोई विघ्न पड़ती थी, विघ्न पड़ती थी उसमें। उसके बाद माता रानी ने कहा कि पहले मुझे रास्ता दो तब आपको मिलेगा, मतलब पहले मुझे रास्ता दो, मेरे भक्तों को आने का यहाँ रास्ता दो।
नहीं तो पहले ये मतलब बंद कर दिया था बिल्कुल, नहीं लकड़ी की सीढ़ी लगाई थी उन्होंने पहले कुछ काफी टाइम पहले, उसके बाद फिर उन्होंने पुल तैयार कर दिया ताकि मंदिर का आने की कोई दिक्कत ना हो किसी को। अब ये अंग्रेज जो है मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये ट्रेन ये बना के दिया दूसरा पुल, ताकि अब ये अभी बाद में ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, अंग्रेजों ने तो वैसे चालू एक काम कर दिया, काम उन्होंने एक नंबर का काम किया था। इसकी देख रेख मंदिर की बाहर की रेलवे देखती है, रेलवे ही देखती है मतलब पूरा ये मैनेजमेंट वगैरह यहाँ का ना, यहाँ यात्रियों का आने जाने का सब श्रद्धालुओं का कुछ भी अगर जो दिक्कत परेशानी होती है बाहर, हाँ तो इसे इंडियन गवर्नमेंट की रिपेयर करके देती है। अच्छा, तो मैंने देखा था इसमें, सुना था मैंने इस मंदिर के बारे में, तो मुझे लगा पता नहीं किस तरफ है, फिर मैं आया तो यहाँ बोर्ड दिखा तो मुझे लगा हो सकता है कि यही लोकेशन हो जो बोर्ड है उसमें। अच्छा चलिए, जय माता रानी। तो ये मंदिर है माता काली का और बिल्कुल भीमगढ़ा चौक पे ही है ना, हाँ हर की पौड़ी और भीमगढ़ा चौक के बीच में है और हरिद्वार में, और बिल्कुल आपको एकदम नज़र आ जाएगा बोर्ड, नज़र आ जाएगा बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय माता रानी। तो अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक भी करते जाएं, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।